हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। यहाँ पे TGT, PGT, UGC नेट होम साइंस के क्लासेस चलती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको होम साइंस के टॉपिक से रिलेटिव कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर नोट्स पाने का प्रोसेस पूरा देख सकते हो और साथ ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है भोजन की विषाक्तता, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो संतुलित भोजन शरीर के लिए लाभदायक होने के साथ साथ किन्हीं कारणों से दूषित होने पर अनेक रोगों का कारण बन जाता है, ठीक है। जो संतुलित भोजन होता है वो शरीर के लिए लाभदायक तो होता ही है, साथ साथ किन्हीं कारणों से वो दूषित खराब हो जाता है तो वो अनेक रोगों का कारण बन जाता है, ठीक है। भोजन का सबसे हानिकारक दोष उसका विषयुक्त होना। तो सबसे भोजन का सबसे हानिकारक दोष क्या है? उसका विषयुक्त होना, ठीक है। विषाक्त भोजन का मनुष्य के शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य पर केवल हानिकारक प्रभाव ही नहीं पड़ता, बल्कि विषाक्त भोजन का प्रयोग कभी कभी अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, ठीक है। अतः एक कुशल गृहिणी को उन समस्त संभावनाओं एवं कारणों से भलीभांति परिचित होना चाहिए जो कि भोजन को विषाक्त बनाते हैं, ठीक है। तो भोजन की विषाक्तता के दो कारण होते हैं। एक तो आपका बाह्य कारणों के कारण भोजन विषाक्त होता है, ठीक है, और दूसरा होता है एक आंतरिक कारणों से भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कारणों से भोजन की विषाक्तता, ठीक है। तो भोजन की विषाक्तता के बाह्य कारणों में प्रमुख कारण बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, कृमि और टोमेन आदि हैं। तो भोजन की विषाक्तता के बाह्य कारणों में भोजन में प्रमुख कारण है बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, कृमि व टोमेन आदि हैं। अब प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। तो बैक्टीरिया, भोजन की विषाक्तता का एक प्रमुख कारण बैक्टीरिया के द्वारा भोजन का संदूषण है, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त भोजन का पाचन प्रणाली पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त भोजन का पाचन प्रणाली पर, किस पर? पाचन प्रणाली पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हवा में तब तक नहीं होते जब तक कि बैक्टीरिया युक्त पदार्थ पूर्णतः सूख कर वायुमंडल में सम्मिलित ना हो जाए। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म दिन की वायु में विशेषकर हवा चलती है और जो असंग बैक्टीरिया वायुमंडल में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन नम वायु में बैक्टीरिया कम रहते हैं। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म दिन की वायु में बैक्टीरिया अधिक होते हैं और नम वायु में बैक्टीरिया कम होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, बैक्टीरिया धूल अथवा मिट्टी, प्रदूषित पानी तथा वायु आदि वाहकों द्वारा भोजन में पहुँच कर उसे विषाक्त बना देते हैं। इसी कारण से जब बर्तन साफ करने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तब मिट्टी द्वारा बर्तन में बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके साथ ही भोजन, खुले भोजन में हवा के साथ धूल के द्वारा बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। जब खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जी आदि को बिना धोए भोजन में लाया जाता है तब भी बैक्टीरिया भोजन को विषाक्त बना देते हैं, ठीक है। लक्षण क्या है? तो बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त भोजन का प्रयोग करने से निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। पहला, उल्टी होती है, ठीक है। दूसरा, चक्कर आता है। फिर ग्रसित भाग में, वसित नहीं ग्रसित होगा, ग्रसित भाग में पीड़ा होती है। शरीर के अंगों में ऐठन होती है। दस्त, ज्वर तथा सिरदर्द होता है, ठीक है। और इसका उद्भवन काल क्या होता है? संप्राप्ति काल क्या होता है, ठीक है। तो विषाक्त भोजन के लिए बैक्टीरिया का उद्भवन काल 2 से लेकर 36 घंटे तक होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के प्रकार, तो बैक्टीरिया भोजन को विषाक्त बनाने वाले जीवाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसके विभिन्न प्रकारों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टेफिलोकोकाई समूह, दूसरा है साल्मोलिना समूह, ठीक है, तीसरा है क्लास्ट्रिडियम वेलकाई,
चौथा है क्लास्टिडियम वोटुलिनम, ठीक है, वोटुलिनम, ठीक है। फिर पहला आप पढ़ते हैं हम लोग स्टेफिलोकोकाई समूह। तो इस समूह के बैक्टीरिया भोजन को विषाक्त बनाने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। तो इस समूह के जो बैक्टीरिया होते हैं भोजन को विषाक्त बनाने में, मैंने उसे फूड पॉइजनिंग बनाने में, भोजन फूड पॉइजनिंग समझते हो ना, फूड डॉक्टर जब आप कभी कभी आप खाना खाते हो जब ख़राब, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। डॉक्टर कहता है ना कि आपने मतलब बासा खाना खाया, कैसा खाना खाया जो आपको की तबीयत ख़राब हो गई, तो आप कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई है, डॉक्टर बताता है ना आपको, तो वही चीज़ है। तो इस समूह के बैक्टीरिया भोजन को विषाक्त बनाने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। भोजन में प्रविष्ट होने के बाद इनकी संख्या बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होती है। भोजन में प्रविष्ट संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये बैक्टीरिया अमाशय या छोटी आंत की दीवारों पर आक्रमण करते हैं। जब ये जीवाणु आंतों में बढ़ते हैं तब इनके शरीर में से एक विषैला पदार्थ जो कि एंटोटोनिक्स कहलाता है निकलता है। ये पदार्थ रोग फैलाने का कारण होता है। यह एंटोटोनिक्स पदार्थ या जीव विष 50 डिग्री फॉरेनहाइट के नीचे उत्पन्न नहीं होता है। यदि बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में जीव विष उत्पन्न कर देता है तब यह क्रियाशील रहेगा, परंतु दूध के पैश्चराइजेशन की प्रक्रिया में दूध में उपस्थित बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस समूह में बैक्टीरिया वैसे तो मनुष्य के फोड़े, फुंसी, घाव, बहते हुए कान आदि गंदी जगहों पर ही पाए जाते हैं, परंतु स्टेफिलोकोकाई से पीड़ित गाय के दूध में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया से युक्त भोजन के स्वाद, गंध तथा देखने में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। इससे बचने का उपाय यही है कि भोजन में स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। भोजन में स्टेफिलोकोकाई समूह के जीवाणु की वृद्धि तभी संभव है जबकि भोजन 50 डिग्री फॉरेनहाइट से 120 डिग्री फॉरेनहाइट ताप पर 3 से 4 घंटे रखा रहे। साधारणतः तापक्रम पर भोजन पकाने से ये बैक्टीरिया नष्ट नहीं होते, परंतु उच्च तापक्रम पर ये नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि स्टेफिलोकोकाई द्वारा विषाक्त भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, परंतु रोगी की मृत्यु अधिकांशतः नहीं के बराबर की संख्या में होती है, ठीक है। इसका उद्भवन काल या संप्राप्ति काल क्या है? तो स्टेफिलोकोकाई द्वारा विषाक्त भोजन के खाने के बाद से 1 से लेकर 5 घंटे के बीच में रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं? इस बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त भोजन के सेवन से मचली होने लगती है, वमन आता है कि वाहिका के साथ साथ उदर में पीड़ा होने लगती है, रोगी की मृत्यु प्राय नहीं होती तथा व्यक्ति 2 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। उपचार इन बैक्टीरिया से विषाक्त होने का उपाय यही है कि भोजन उचित तापक्रम पर पकाया जाए तथा रोगी की अवस्था में सल्फा ड्रग्स या पेंसिलन तथा अन्य एंटीबायोटिक्स देना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है साल्मोनेला। तो मनुष्य तथा जानवरों में संक्रामक रोग फैलाने का कारण साल्मोनेला समूह के जीवाणु ही कहते हैं, ठीक है। इस समूह में बैक्टीरिया की बहुत अधिक जातियां पाई जाती हैं, परंतु साल्मा टाइपी म्यूरिनम सर्वाधिक प्रचलित है। यह बैक्टीरिया मनुष्य, पशु तथा पक्षियों की आंतों में रहते हैं, अतः इसके द्वारा विसर्जित मल में ये पाए जाते हैं, अतः यह शीघ्रता से रोग फैलाने में सहायक होते हैं। अंडे तथा मांस में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं तथा थोड़ी सी असावधानी से व्यक्ति के शरीर में पहुँच कर आंत संबंधी रोग जैसे टाइफाइड, डायरिया आदि फैला देते हैं, ठीक है। इसका उद्भवन कार क्या है? तो भोजन ग्रहण करने के कुछ ही घंटों के उपरांत ये जीवाणु बढ़कर रोग के लक्षण प्रकट कर देते हैं और रोग की तीव्रता व्यक्ति की रोग निरोधक क्षमता तथा जीवाणु की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है मचली होती है, वमन, शक्तिहीनता, प्यास अधिक लगती है, पेट में दर्द होता है, वाहिका सिर दर्द होता है, बुखार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। बचाव इन बैक्टीरिया से बचने के लिए सब्जी फलों की अच्छी तरह से धोकर प्रयोग में लाएं। अंडे व मांस आदि को भी अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाने से इस बैक्टीरिया से मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। फिर आपका आता है
क्लाइस्टिडियम वेलकाई, तो क्लाइस्टिडियम वेलकाई समूह के जीवाणु मनुष्य और जानवरों के मल, मिट्टी, हवा, पानी में पाए जाते हैं या भोजन में हाथों द्वारा या मक्खियों के द्वारा मल द्वारा पहुँचते हैं। 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर इन जीवाणुओं की वृद्धि होती है तथा ये जीवाणु अल्फा थीटा नामक विष उत्पन्न करते हैं। तो ये जीवाणु कौन से विष उत्पन्न करते हैं? तो अल्फा तथा थीटा नामक विष उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बासी भोजन में ये जीवाणु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उद्भवन काल क्या है या संप्राप्ति काल क्या है? तो इन जीवाणु द्वारा विषाक्त भोजन करने के बाद 8 से लेकर 22 घंटे के उपरांत रोग के लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण वाहिका तथा उदर में पीड़ा, मांसपेशियों में ऐंठन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसके साथ ही बहुत कम सीमा तक मछली व वमन भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपका आता है क्लास्टिडियम वोटिनम समूह। ठीक है, इस समूह के बैक्टीरिया बहुत गंभीर रोग फैलाते हैं। ये बैक्टीरिया मिट्टी, धूल तथा जल में पाए जाते हैं। जब भोज पदार्थ मिट्टी, धूल तथा जल के संपर्क में आते हैं तब बैक्टीरिया भोज पदार्थों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये जीवाणु भोजन में विष उत्पन्न करके उसे विषाक्त बना देते हैं। ये जीवाणु सूर्य के प्रकाश, कम नमी वाले वायु में भी नष्ट होते हैं। इस कारण से भोजन को कई घंटे उबालने पर भी जीवाणु जीवित बने रहते हैं तथा बहुत ही भयानक रोग फैलाने में सहायक होते हैं। इनकी कोशिका से जो विष निकलता है उसके बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि वह इतना जहरीला होता है कि बोटुलियम बैक्टीरिया द्वारा भोजन के सेवन से 50% से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके जीवाणु वायु रहित अवस्था में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसके जीवाणु वायु रहित अवस्था में वृद्धि करते हैं। अधिकतर डिब्बों में बंद भोज पदार्थ जैसे कैनिंग किया गया मांस, सेम के बीज, मटर के खाने के उपरांत बोटुलियम की वृद्धि तीव्र गति से हो जाती है। इसके बाद विषाक्त भोजन, बदबूदार तथा गूदेदार दिखाई दे सकता है। ये जीवाणु बहुत गर्म भाप द्वारा नष्ट हो जाते हैं। अतः बंद डिब्बों में सुरक्षित भोजन को पुनः प्रेशर कुकर में पकाने से भोजन को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसका उद्भवन काल क्या है? तो रोग के लक्षण संक्रामक लगने के 12 से 24 घंटे पश्चात दिखाई देने लगते हैं। बीमारी प्रारंभ होने से पूर्व कब्जी हो जाती है। ठीक है, लक्षण क्या है? वास्तव में बोटुलिज्म की बीमारी बैसिलस बोटुलिनस के कारण होती है। इसके द्वारा जो विष उत्पन्न होता है इसका प्रभाव स्नायु संस्थान पे पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? स्नायु संस्थान के, जिसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द, बेचैनी, चक्कर आना, गले में खिंचाव तथा मांसपेशियों तक मांसपेशियाँ कमजोर होना, चेतना का अभाव आदि की शिकायत रहती है। पक्षाघात की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण श्वसन व हृदय का लकवा भी हो सकता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में से 70% की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 3 से 6 दिन के मध्य हो जाती है। ठीक है, इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार है, यदि विषाक्तता का पता लग जाए तो अमाशय को खाली रखना चाहिए तथा अल्कोहल भी कभी कभी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वैसे अब तक इस विषाक्तता में एंटीटॉक्सीरम का प्रयोग किया जा सकता है ठीक है, एंटीटॉक्सिक सीरम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आपका था वायरस। बैक्टीरिया की विभिन्न जातियों के अतिरिक्त वायरस भी भोजन की विषाक्तता बनाने का एक प्रमुख कारण है। यह मनुष्य तथा जानवरों के गले में, आहार तंत्र में उपस्थित होता है, जो मल के द्वारा शरीर से बाहर जल व अन्य माध्यम से भोजन में पहुंचकर भोजन को विषाक्त बना देता है। वायरस के बारे में अभी तक निश्चित रूप से यह पता नहीं चला है कि यह वनस्पति शरीर में से या पशु शरीर में से है। ठीक है, वायरस 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जीवित बना रहता है और 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट में नष्ट हो जाता है। अतः भोजन को इनसे मुक्त रखने के लिए आवश्यक है कि उसे खूब अच्छी तरह से पकाकर खाया जाए। ठीक है, वायरस द्वारा विषाक्त भोजन का सेवन करने से बच्चों को पोलियो नामक रोग हो जाता है। पोलियो से बचने के लिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जानी चाहिए। फिर आपका आता है परमजीवी कृमि। तो मनुष्य तथा जानवरों की आंत में परमजीवी कृमि रहते हैं।
उनके मल द्वारा परजीवी कृमि बाहर आ सकते हैं। इनमें से कुछ तो बिल्कुल हानिकारक नहीं होते, परंतु कुछ बहुत कम तक कुछ ऐसे होते जो अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। मक्खियों के साथ परजीवी कृमि के अंडे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति इस भोजन को खाता है तब यह पीस जाति के परजीवी कृमि से पीड़ित हो जाते हैं। कहा जाता है मनुष्य लगभग 26 परजीवी कृमियों को अपने शरीर के अंगों में स्थान देता है, परंतु अमीबा हिस्टोलिटिका भोज विषाक्तता उत्पन्न करने में बहुत अधिक सहायक होता है। यह मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है, इससे पेचिश रोग हो जाता है। मिट्टी में भी यह परजीवी पाया जाता है, इसी कारण से मिट्टी खाने वाले बच्चे परजीवी कृमि से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ साथ परजीवी के अंडे भी अमाशय में पहुंच जाते हैं और शरीर के अंदर पहुंच के नए परजीवी कृमि उत्पन्न करके अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। टेप वर्म, पिन वर्म तथा एक्सकेरिस आदि भी हाथों में पाए जाते हैं। इस विषाक्तता से बचने के लिए भोजन में स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। सब्जियों को भली भांति धोकर अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है टोमेन विषाक्तता अधिष्ठानता। टोमेन शब्द का अर्थ किसी भी जहरीले पदार्थ से लगाया जाता है, परंतु इसका यह अर्थ जो है वो ठीक नहीं है। टोमेन एक फारसी शब्द है। टोमेन एक कैसा शब्द है? फारसी शब्द है जिसका तात्पर्य मध्य शरीर है। पेपर में आता है कि टोमेन का क्या अर्थ है, ठीक है। भोजन के लिए टोमेन शब्द का प्रयोग ऐसे पदार्थ से होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन, और ऐसा नाइट्रोजन युक्त भोज पदार्थ हमारे लिए अधिक विषाक्त होता है कि इसको छूने मासी हानि होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने भोजन के बाह्य कारणों के कारण जो भोजन विषाक्त होता है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भोजन के आंतरिक कारणों से भोजन की विषाक्तता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना